में आपके विभाग में भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे ये इतने दिनों से संचालित और था, आप तक कोई भनक नहीं लगी। 2 साल से चल रहा था। नहीं, ये दूसरा साल इसका है। एक्चुअली जो भी यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनको सीएमओ ऑफिस में सूचना होनी चाहिए, इनको देना चाहिए था, और इन्होंने सूचना किसी ने भी नहीं नहीं सूचना नहीं दिया है। ये तो हमारे संज्ञान में तब आया जब वो बच्ची वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में गई थी। लगभग कितने तो इसके बच्चे बाद यहाँ पे विभाग आपकी हैं जांच करेंगे सारे पैरामेडिकल जी? कॉलेज जो चल रहे हैं? बिल्कुल जांच करेंगे। मैंने सब नोटिस जारी, नोटिस बन रही है, सबको नोटिस जारी होगी। जो अगर मेडिकल जो जिसका भी मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन है वो ला के सी एम ऑफिस में उसको दिखा। यहाँ पे पैरामेडिकल संचालित हो रहा था कॉलेज फर्जी था, उसको लेकर क्या कुछ मुकदमा पंजीकृत किया गया? हाँ, मुकदमा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इन लोगों ने अवैध रूप से पैरामेडिकल कॉलेज चला रहे थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से एक टीम ने इसका निरीक्षण किया और मुकदमा पंजीकृत कराया। उसे 2 लोग पकड़े गए हैं, अभी 2 लोग फरार, 2-3 लोग और भी उसमें संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक बड़ी बात आ रही है कि इसका मास्टरमाइंड एक सपा नेता संग्राम सिंह था। अभी अभी जो प्रारंभिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है उनमें और भी गहराई से इसकी छानबीन कराई जाएगी कि कौन कौन से लोग इसके संचालन में भूमिका निभाते थे, कैसे इस अंजाम तक पहुंचा कि इतने सारे लोगों ने एडमिशन लिया। तो जो भी बड़ा रैकेट इसमें है और उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ सफेदपोशों का भी नाम आ रहा है? हमारे लिए तो मुलजिम मुलजिम होता है और जो भी मुलजिम है उसका कोई पोस्ट नहीं होता, केवल अभियुक्त है वो, साक्ष्य अगर है तो हम कार्रवाई करेंगे।